हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए बहुत ही नया डिज़ाइन हम आपके लिए लेके आए हैं। ये छोटे बच्चों में बनाइए, बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए ये कैसे बनेगा ये डिज़ाइन। ये हमने इस वाले फ्लावर में एक फंदा रखा है इसको बीच में, उसके ऊपर से हमने ये पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसमें देखिए हमने ये दो फंदे रखे हुए हैं डंडी जैसा। ये देखिए इसके ऊपर ये छोटा फ्लावर बना है और ये बड़ा फ्लावर बना है। ये देखिए जो भी आपको पसंद हो आप वैसा बना सकती हैं। देखिए कैसे बनेगा ये डिज़ाइन। ये देखिए हमने यहाँ नीचे बॉर्डर बनाया हुआ है 6 लाइनों के, उसके ऊपर से हमने ये उल्टा बुना हुआ है और ये तीन दो फंदे यहाँ बीच में सीधे बुना जा रहा है और एक फंदा ये बीच में उल्टा बुना हुआ है। देखिए कैसे हम बुन रहे हैं इसको। यहाँ पे हमने पूरी सिलाई, हमने जो फंदा हमने उल्टा दिखाई दे रहा है उसको उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए ये चेन जो हमारी उभरी हुई दिख रही है इसको हमें कैसे बुनना है। ये धागा हम पीछे करेंगे और ये फंदा जो है हम ये जो दिख रहा है सीधा, इसको हमने यहाँ नीचे से ये सिलाई डाल के बुनना है। ये देखिए एक फंदा हमने ये सीधा बुन लिया। इसके बाद बीच का एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर से ये फंदा हमने ये नीचे से बुनना है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे ये बुन लिया हमने। ये देखिए ऐसे करके फिर बाकी सभी फंदों को जो हमें ये उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुन लेना है। ये देखिए हमारी ये दोनों चेन जो है उभरी हुई नज़र आ रही है। इसके बाद इन सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। बैक साइड से देखिए कैसे बुनना है। बैक साइड से ये फंदे जो हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे। ये फंदा हमने उल्टा दिख रहा है इसको उल्टा बुनना है। फिर ये सीधा फंदा है, बीच का फंदा है ये सीधा है, इसको उल्टा सीधा बुन लिया हमने। फिर ये उल्टा फंदा दिख रहा है इसको उल्टा बुन लेंगे और ये बाकी बचे सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसी तरीके से हमने ये दोनों सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये जैसा हमने ये डिज़ाइन हमें यहाँ दिख रहा है, ये चेन जो दोनों तरफ से हमें जैसा ऐसा दिख रहा है, जितना भी लंबा आप करना चाहें इसी तरीके से बुन के इसकी लंबाई आप जितना चाहें उतना कर सकती हैं। उसके बाद से हमने डिज़ाइन बनाना है। तो ये डिज़ाइन हमारी बैक साइड से बनेगी इसलिए हमने इधर से बुनना होगा। ये सिलाई कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सामने से बुन के बैक साइड में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे कैसे बनेगा। ये बीच का जो फंदा है इसको छोड़ के हमने, ये देखिए ये बीच का फंदा है इसको छोड़ के यहाँ ये तीन फंदों में हमने ये डिज़ाइन बनाना है। ये एक दो और ये इस चेन में, इसको तीनों फंदों में हमने डिज़ाइन बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। अभी हमने इसको डिज़ाइन को बनाने के लिए ये क्रोशिया है, ये देखिए इसके क्रोशिया की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए कैसे बनाना है इस धागे को। अब हमने यहाँ से इसको ऐसे सिलाई को हम लेते हैं, अब इसको ये क्रोशिया को इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ऐसे इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ से हमने ये फंदे लपेटने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। ये देखिए 15 बार हमने ये लपेट लिया इसमें। अब हम इसमें धागा इसमें सिर्फ लपेटेंगे और इसको ये देखिए हमने ये धागा सिर्फ इसमें लपेटा क्रोशे में। अब इसको ऐसे गोल घुमा के अब हम ये फंदा ऐसे खींच लेंगे बाहर की तरफ। ये देखिए हमारा ये धागा बाहर निकल आया। इसको हमने ऐसे उतार लेना है। इसके बाद हमने ये इसमें ऐसे ले लेना है इस फंदे को। इसको ऐसे खोल देंगे। ये देखिए ऐसे हमने ये खोल देना है। ये बिल्कुल सटा के यहाँ से खोलना है। ये देखिए ऐसे करके और फिर इस धागे को हम ऐसे करके खींच देंगे। ये देखिए ऐसे गोल डिज़ाइन ये बन जाएगा। ये देखिए ऐसे। उसके बाद हमने ये बीच वाले फंदे को ये उतार लेना है और इस वाले फंदे में हमने ये धागा ऐसे करके ये बुन लेना है। ये देखिए ऐसे ऐसे ये डिज़ाइन बन गया। इसके बाद बीच वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, सीधा बुन लेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने बुन लिया। इसके बाद अब तीन फंदा इधर जो ये तीन फंदा है इसमें अब हमने फिर से डिज़ाइन बनानी है। तो फिर से हम क्रोशिया का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे घुसा के इसमें सिलाई से भी बन जाता है ये डिज़ाइन, लेकिन धागा निकालने में दिक्कत होती है। तो आप क्रोशिया से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से बनेगा। अब इसको देखिए 15 बार लपेटेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए 15 बार लपेट गया है। अब 16वें बार में हमने इस धागे को ऐसे निकाल के खींच लेना है। ये देखिए 16वीं बार करके ये हमने धागा निकाल लिया है। इसके बाद इसको हम इसमें उतार लेंगे और फिर इसको फिर से इस सिलाई में ले लेंगे। इसको हमने खोल देना है। ये देखिए ऐसे हमने ये खोल लिया। यहाँ पे ये दोनों फंदे को सटा के इसको खींचना है। इसके बाद हमने ये धागा ये देखिए ऐसे करके खींच लेना है जिसे ये राउंड राउंड इसमें बन गया। ये देखिए ऐसे करके फिर बीच का ये फंदा उतारेंगे बिना बुना हुआ। उसके बाद ये फंदा हम बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे ये दो बन गया हमारा। उसके बाद बाकी सभी फंदों को सीधा बुन देंगे। ये बैक साइड से डिज़ाइन बनेगी हर बार। ये देखिए दो डिज़ाइन बन गया है यहाँ पर हमारा। इसके ऊपर तीन बनाना है, इसके ऊपर ऐसा ही तीन बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। अभी हमने ये पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। अब हम ये बीच का जो चेन बन रहा था इसको नहीं बनाना है। इस सभी को हमने उल्टा बुनते जाना है। ये देखिए सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए दो बना है, इसके ऊपर हमने तीन बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये दूसरे सिलाई में ये कैसे बनेगा डिज़ाइन। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये बीच का जो एक फंदा है ये उल्टा जो बुना जा रहा था, ये देखिए बीच का जो ये उल्टा फंदा था यहाँ से जो उल्टा आ रहा था इसमें अब ये तीन फंदों में हमने ये फ्लावर बनाना है। इसके बाद अब इधर ध्यान करना है कि इधर कैसे बनेगा।
उसके बाद हमने एक फंदा छोड़ना है, उसके बाद तीन फंदों में इधर डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर तीन और एक चार फंदा हो गया, उसके बाद ये तीन और फिर एक चार फंदा और फिर इन तीनों फंदों में ये डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए अब कैसे बनेगा, ये बीच का ही फंदा देख के इधर के फंदे हमने डिसाइड करने हैं कि कितना फंदा में कैसे बनाना है। अब देखिए कैसे, अभी इस फंदों में ये तीन के बाद एक छोड़ के इन तीन फंदों में हमने ऐसा डिज़ाइन बनाना है। तो फिर से क्रोशे का इस्तेमाल करेंगे, इसको लपेटेंगे 15 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये देखिए 15 बार लपेट लिया हमने। और 16वीं बार में हमने इसमें ले लिया है, अब इसको ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए बाहर आ गया धागा हमारा, इसको इसी सिलाई पर हम ले लेंगे और इसको हम खोल देंगे। पूरा सीधा इसको खींच के खोल लीजिए और इसको यहाँ से ये फंदा सटा के और इसको धागे को ऐसे करके हमें ये खींच देना है। ये देखिए ऐसे, फिर बीच के फंदे को उतार लेंगे और इसको बुन लेंगे। ये देखिए बन गया। उसके बाद ये एक फंदा जो है उसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। अगले ये देखिए तीन फंदा हमारा ये आ गया बीच का, इसमें हमने डिज़ाइन बनाना है। फिर से एक क्रोशे का इस्तेमाल करेंगे ऐसे करके और इसको लपेटेंगे धागे को। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बार ये हो गया। आप इससे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ये हमने ये खींच लिया धागा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये और बना के बहुत सुंदर लगता भी है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे हमने ये खींच लिया। उसके बाद हम बीच के फंदे को ये उतार देंगे और ये एक फंदा बुन लेंगे। ये देखिए दूसरा बन गया। अब फिर बीच के गैपिंग के लिए एक फंदा हम फिर से बुनेंगे। अब नेक्स्ट डिज़ाइन इन तीनों फंदों पे बनेंगे। ये देखिए ऐसे, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये देखिए 16वीं बार में हमने ये धागा बाहर निकाल लेना है। ये देखिए बन गया। इसके बीच के फंदे को उतारेंगे और एक फंदे में ऐसे बुन लेंगे। बाकी बचे हुए फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए 3 और 5 बन गए हैं। इसके ऊपर हमने ये पूरी सिलाई उल्टी बुननी है हमें। ये देखिए पूरी सिलाई हमारी बुन गई है। इसके ऊपर देखिए हमने 4 बनाना है।
तो एक दो तीन चार बनेगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एक एक बनेगा, ये जैसे ये बीच का है इसके दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर, फिर इधर साइड साइड में एक बनेगा। ये देखिए कैसे बना हुआ है, पहले दो बना है, फिर तीन बना है, फिर चार बना है, ये छोटा बनाया हमने इसलिए बीच में ये तीन बन गया है, उसके बाद फिर चार और तीन और दो ऐसे बना है। और इसमें देखिए, इसमें देखिए पहले दो बनाए हैं, फिर तीन, फिर चार, उसके बाद फिर पांच बना है, बड़ा बनाने के लिए ये पांच बना है, उसके बाद चार बना है, ये देखिए चार है, फिर पांच है, फिर चार, फिर तीन और दो, इसी तरीके से हमें बनाना है, ये ऐसे पेड़ बनते जाएगा। ये देखिए इसके बाद से कैसे बनेगा, बैक साइड से हमने डिज़ाइन डालनी है। अब देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे। अब हमें फिर से देखना है कि ये बीच का फंदा कौन सा है, तो ये देखिए बीच का फंदा हमने, ये दिख रहा है ये बीच का फंदा है, तो इन तीनों में डिज़ाइन बनेगा, फिर एक फंदा छोड़ के फिर अब इन तीनों में बनेगा डिज़ाइन, तो ये तीन, फिर एक, फिर तीन, फिर ये एक, फिर ये तीन, देखिए आ गया बीच का फंदा, तीन, फिर एक और फिर ये तीन फंदा यहाँ तक, ऐसे करके डिज़ाइन बनाना है हमें। अब देखिए यहाँ से फिर से बनाएंगे हम ये डिज़ाइन, इसमें 15 बार लपेटेंगे। ये देखिए लपेट गया 15 बार और इसको हम निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए फिर हमने ये खींच लिया धागा, फिर इसको ऐसे करके खींच लेना है, बीच का धागा फंदा हम ये उतार लेंगे बिना बुने, फिर इसको बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर ये जो बीच का जो एक गैपिंग के लिए है इसको भी उल्टा बुन लेंगे। फिर ये देखिए बीच में आ गया ये फंदा, तीनों फंदा में बनेगा अब डिज़ाइन, फिर से बनाते हैं हम। ये देखिए 15 बार लिपट गया है और 16वीं बार में हमने इसको निकाल लेना है धागा। फिर इसको खोल लेंगे और यहाँ इस फंदे को सटा के हमने खींच लेना है धागा। ये देखिए ऐसे, बीच का फंदा हम एक गैपिंग के लिए ले लेंगे, फिर अगले फंदे में बुन लेना है हमें। ये देखिए दो बन गया, इसके बाद एक फंदा और उल्टा सीधा बुनेंगे और फिर अगले, ये देखिए तीन फंदा, ये बीच का फिर से आ गया है, अब इसमें फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए ये तीन फंदा का ये बन गया है, अब एक फंदा हम इसमें गैपिंग वाला बुनेंगे, इसको बुन लिया हमने। अब ये देखिए यहाँ साइड के ये तीन फंदों में डिज़ाइन बनेगा। इसमें आप जितनी बार भी धागा लपेट रहे हैं हर बार आपको काउंट करके ही लपेटना है, हम इसमें 15 बार लपेट रहे हैं। ये देखिए ऐसे खोल के और ऐसे करके इसको खींच लेना है, बीच के फंदे को हम ये उतारेंगे और फिर इसके बाद बुन लेंगे इसको, बाकी इधर के फंदे को भी बुन लेंगे। ये देखिए ये बन गया है हमारा, ये दो, फिर तीन और फिर ये चार बना है। इसके ऊपर अगर आप तीन बनाना चाहें तो तीन बनाइए,
छोटा बनाना है तो, अगर बड़ा बनाना है तो, पांच वाला बनाना है तो पांच वाला भी बनाइए। ये देखिए, इसके बाद एक दो तीन यहाँ बना सकती हैं, फिर उसके ऊपर से चार, फिर तीन दो, ऐसे करके ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स आपको वीडियो देखने के लिए।